वेली गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं सीएल भाग्यलक्ष्मी की। भाग्यलक्ष्मी मजेदार तो इसके साथ ये दिखाता है कि जहाँ एक तरफ इधर ऋषि को लगता है पारो के को देख के हमेशा आती है लक्ष्मी की याद, वही इधर देखने में मजेदार रहता है कि ऋषि के फोन में नीलम देख रही होती कुछ और, लेकिन चल जाता है एक वीडियो जहाँ वो रोहन भेजा होता है। यानी कि इधर दिखाते हैं कि लक्ष्मी का वीडियो चल जाता है जिसमें वो सरदार का लुक लेके रखी हुई है। वही इधर नीलम के सामने आ जाता है लक्ष्मी का वीडियो। क्या नीलम पहचान पाएगी अपनी बहू लक्ष्मी को, या इस बार वो उसको लगेगा बहुत बड़ा शौक। यानी कि इधर देखने में मजेदार रहता है कि इधर सरपंच बना रहे होता है बहुत बड़ा प्लान लक्ष्मी को अपनी बहू बनाने का, और उसको लेना चाहता है बदला। यानी कि इधर दिखाते हैं कि जहाँ लक्ष्मी बहुत अच्छे दाम में गेहूँ बेचती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी इज्जत चली जाएगी, और उसको ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द अगर मैं इसको बहू नहीं बनाऊंगा तो मेरा सारा काम बिगाड़ देगी। वही इधर प्लान बन रहा है लक्ष्मी को अपने तरफ करने का। वह इधर देखने में मजेदार रहता है कि ऋषि और पारो खाना खा रहे होते हैं, तो इधर पारो बोलती है रुको डैड, मेरे को ऐसा कुछ करने दो। यानी कि इधर चावल में वो चीनी मिला रही होती है, तो इस बात से ऋषि को याद आती है उसकी लक्ष्मी। वह क्या होने वाला है, क्या ऋषि के सामने आएगा लक्ष्मी का सच अपनी बेटी पारो की तरफ से, या इस बार नया होगा कोई खुलासा और रोहन और पारो मिलकर करेंगे अपने माँ बाप को एक। सर दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।